हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं आया हूँ अपने गांव जिसका नाम है बैठीदार। तो ये जीवी से 2 किलोमीटर की दूरी पर आता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। और इस विलेज में जो है आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा, कितने मतलब व्यू पॉइंट देखने को मिलेंगे और कितने लोग रहते हैं यहाँ पे, इस सब बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा। और यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो अगर आप मेरे साथ यहाँ पे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, या चलोड़ी पास, तिरथन वैली, प्लाचन वैली, या फिर कहीं भी ऑल इंडिया, मतलब ऑल इंडिया का परमिट है मेरे पास, जो कि अल्टो चलाता हूँ मैं, तो अगर ऑल इंडिया जाना चाहते हैं तो ऑल इंडिया भी मैं आपको ले जा सकता। खेतक धन्यवाद। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि ये मैं जो अभी आपको व्यू पॉइंट दिख रहा है, ये मेरे गांव से दिखता है, काफ़ी शानदार है। ये आप देख सकते हैं, ये सामने जो गांव दिख रहे हैं ये भी मेरे गांव से ही दिखते हैं, मेरे विलेज से दिखते हैं। जो ये सामने आपको ये जो विलेज दिख रहा है इसको मिहार बोलते हैं, और इसके ऊपर जो ये वाला विलेज दिख रहा है इसको साच बोलते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे तो ऐसे ही करके बहुत सारे गाँव दिखते हैं। तो आराम आराम से मैं इन सब गाँव के वीडियो आपको दिखाऊँगा। ये जो है ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू पॉइंट आता है, काफ़ी खूबसूरत आता है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा कांटेक्ट नंबर हमेशा डिस्क्रिप्शन में ही रहता है। तो ये देख सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं अब दूसरे व्यू पॉइंट की ओर और फिर दिखाते हैं आपको अपना विलेज। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी खूबसूरत व्यू यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जो कि भाटीदार विलेज में ही आपको देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको जलोड़ी पास, लामड़ी टॉप, किरण टॉप ये देखने को मिलेगा, और साथ में काफ़ी अच्छी हरियाली है। और ये आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम रोड पे ही हूँ, ये देख सकते हैं एक नीचे साइड और एक ऊपरी साइड रोड है, और काफ़ी अच्छे बादल हो रखे हैं इस टाइम। तो आप इस टाइम देख सकते हैं कि मतलब बहुत ही खूबसूरत, काफ़ी शानदार व्यू यहाँ से देखने को मिल रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ अपना विलेज। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। तो उसमें देख सकते हैं आप, ये मेरा गाँव है जिसका नाम भाटीदार है। घर गाँव में मतलब 15 से 20 घर ही है, बाकी ऊपर है, कुछ नीचे है, जो कि टॉप से कुछ ऐसा दिखने में लगता है ये अपना गांव। ये जो आप सामने देख रहे हैं, जो ये वाला घर जो दिख रहा है, ये घास रखने के लिए स्पेशली है। इसमें जो है गाय के लिए चारा रखा जाता है, और बाकी लोगों के घर भी आप देख सकते हैं ये है। और चलिए चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ करीब से घर, क्योंकि गाँव में
विलेज में घर कैसे होते हैं और कैसे लोग रहते हैं। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि मैं गांव के लिए जा रहा हूं और गांव में कुछ ऐसे रास्ते रहते हैं जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। थोड़ा संभल के चलना होता है, ऐसा नहीं कि पूरे गांव में ही ऐसे रास्ते हैं। कुछ हद तक ऐसे रास्ते होते हैं और कुछ रास्ते पक्के होते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये रास्ता है और यहाँ से जो अपने घर भी जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो मैं आपको घर भी दिखाऊँगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो सामने आपको घर दिख रहा है ये लकड़ी, ये पूरा लकड़ी से बना हुआ है और इसके ऊपर कुछ हद तक पत्थर डाले हैं और कुछ हद तक चादर डाली है जो कि ये लोहे की रहती है। वो तो आपको पता ही होगा किस चीज़ की रहती है, कुछ एल्यूमिनियम की रहती है, कुछ लोहे की रहती है, कुछ टीन की रहती है और ये सीमेंटेड घर है और कुछ लकड़ी के। तो ये देख पा रहे हैं आप और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो है काम भी चला है गाँव में। तो आप देख सकते हैं आप कि ये जो नीचे की मंजिल जो रहती है ये स्पेशली गाय बछड़े भेड़ बकरी के लिए रहती है और जो दूसरी मंजिल रहती है वो रहती है इंसानों के लिए जिसमें मतलब लोग रहते हैं। ये लकड़ी से बना हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये शेड बना रखा है जो कि मतलब एक टॉयलेट टाइप रहता है ये गांव में ऐसे ही। और दूसरा ये देख सकते हैं घास, और ये जो आप देख रहे हैं ये वाला जो है इसमें जो है घास जो है स्पेशली घास इसमें लाई जाती है और जो बछड़े के लिए मतलब गाय बछड़े के लिए जो है खाने के लिए होती है। और जो ये आप देख सकते हैं कि इसको जो है पीठ में उठा के लाया जाता है और ऐसे करके जो है घास जो है गाँव में इसके लिए होती है। तो ये आप देख सकते हैं, और साथ आप देख सकते हैं नीचे कुछ घर है और नीचे साथ रोड और वहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, ये लकड़ी हैं कुछ और ये शेड टाइप, और ये देख सकते हैं आप और व्यू वहाँ पे जो गाँव से दिखता है वो कुछ ऐसा है, ये भी आप देख सकते हैं काफ़ी। और दूसरा ये है कि मतलब कहीं पर रास्ता मतलब सीमेंटेड रहता है जैसे कि आप अभी देख सकते हो, ये सीमेंटेड रास्ता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। और ये है गांव के खेत, मुर्गियां इसको चिकन बोलते हैं, और घास के बीच में हमारे स्पेशली भाभी जी घास के बीच मतलब गेहूं के बीच से घास निकाल रही है। भाभी जी ये देख सकते हैं आप, ये स्पेशली घास निकाल रहे हैं, जैसे अभी हमने उगा रखे हैं जौ है जिसके बीच में जो घास जिसको खरपतवार बोलते हैं उसको उखाड़ दिया जा रहा है और जिससे मतलब अपना जौ जल्दी से मतलब बड़ा होगा। ये घर देख सकते हैं आप, ये भी लकड़ी से बना है ये घर, और इससे आगे दिखने वाला भी, और ये देख सकते हैं आप पूरा लकड़ी से ही बने ये घर। और ये देख सकते हैं आप नीचे खेत में, ये है मटर जिसको हरा मटर बोलते हैं, ये उसकी बिजाई हो रखी है जिसमें थोड़े दिनों में मतलब मटर लग जाएंगे। और साथ में चला है इमीडिएट काम और ये आने वाले टाइम में जो है घर बन के तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस पूरे गांव में मतलब लकड़ी के घर भी है और सीमेंटेड भी है। ये देख सकते हैं आप पूरे गांव में काम चला है। तो यही है, चलिए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं कुछ और घर आपको। ये और ये गांव के बच्चे जो कि फोटो के लिए पोज दे रहे हैं, और ये देख सकते हैं आप ये गाँव के बीच में एक मंदिर जो कि खुड़ीचल जी देवते का है, ये देख सकते हैं आप। और गांव में घास जिसके पास घर नहीं है घास रखने के लिए जैसे रहता ना घर के लिए, जो मैंने पहले आपको दिखाया कि स्पेशली घर मतलब जो घास रहता है उसको रखने के लिए स्पेशली घर बनाया होता है। अगर किसी ने नहीं बनाया तो ऐसे करके घास को तह लगा के इसके अंदर एक लकड़ी का डंडा रहता है जो काफ़ी लंबा रहता है, उसके ऊपर चारों तरफ इसको तह लगा के इस तरीके से जो है घास को रखा जाता है जिससे मतलब कि अंदर का घास नहीं सड़ता है और बाहर से पानी चला जाता है और अंदर का घास बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये देख सकते हैं आप, और ये काफ़ी जो पुराने घर है वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये भी काफ़ी पुराना घर है मतलब कि 1995 से ही पुराना है, मतलब कह सकते हैं कि इसको इस घर को इसी घर को कम से कम 50 साल हो गए हैं इतना कह सकते हैं। और व्यू कुछ ऐसे हैं, और ये आखिरी मेरा दूसरा घर है, ये जो आप सामने देख रहे हो ये वाला, ये मेरा घर है, ये आधा मेरा घर मेरे फादर का है मतलब फादर मेरा एक ही बात है और आधा जाता है दूसरे फादर का जो कि दो भाई, वैसे मेरे फादर 5 भाई है उनमें से जो 2 भाई हैं उन्होंने मिल के घर बनाया है, ये देख सकते हैं आप। और साथ में सीमेंटेड जो है और जो व्यू वो है कुछ ऐसे, ये देख सकते हैं आप। चलिए चलते हैं आगे की ओर और दिखाते हैं कुछ और आपको। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं ये मेरी गाड़ी है यहाँ पे जो कि रोड के एकदम किनारे में लगाई होती है, और इसके साथ ही आप देख सकते हैं मेरा घर है, ये मेरा दूसरा घर है और जिसमें मैं रहता हूँ वो गांव से 5 मिनट की दूरी पर है। और ये आप देख सकते हैं रोड,
और ये मेरे गांव के कुछ लोग, और ये जो उसने लिफ्ट बना रखा है, और ये जो मेरे घर से देखने को मिलते हैं, काफ़ी शानदार है ये देख सकते हैं। और ये साथ में मेरा गांव देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत देखने को मिलता है। और ये लकड़ियाँ हैं जैसे आप देख रहे हो, ये लकड़ियाँ हैं, और ये जो लकड़ियाँ आप देख रहे हैं ये आती है खासकर बर्फ़ के दिनों में, स्नोफॉल के दिनों में काम, जब ज़्यादातर ठंड लगती है तो उस टाइम जलाने के काम आती है, तो इसलिए हम पूरा स्टॉक रखते हैं ताकि सर्दियों के दिनों में हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो और शरीर गर्म रहे, घर भी गर्म रहे, इसके लिए हम ऐसे लकड़ियाँ निकाल कर रखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया भट्टीदार विलेज, जो कि जीबी से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, और भट्टीदार विलेज में कैसे घर है और कितने पुराने हैं, इसके इतिहास के बारे में मैंने आपको बताया कि कितने पुराने घर यहाँ पे है, और इस गांव से आपको कौन कौन से व्यू पॉइंट देखने को मिलते हैं और काम मतलब कैसे दिखते हैं, वो व्यू पॉइंट भी आपको मैंने इस विलेज के भी इस वीडियो में भी दिखाया है। तो दोस्तों अगर आप इसी ऐसे ही विलेज के बारे में देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि विलेज में लोग कैसे रहते हैं और कैसे अपना सर्वाइव करते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, और मैं आपको ऐसे ही वीडियो मतलब आगे दिखाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।